तो इतना अच्छा खुशी का माहौल था और एकदम से सबका मूड खराब हो गया। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया उसको खा जाऊंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बजे शाम के 4:30 और आज ना पीछे से शोर आ रहा है। आज मम्मी ने घर पे कीर्तन रखवाया है तो महिला मंडली आ गई है, कीर्तन स्टार्ट हो गए, जस्ट अभी स्टार्ट ही हो रहा है। और यह है आज का मौसम, यहाँ पे काफ़ी सारे मक्के हो रहे हैं, मौसम का क्या ही कहना, डेली बारिश ही बारिश आ रही है, मतलब शाम के टाइम पर बारिश वाला मौसम हो जाता है। और अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, पानी वाली चाय बनाएंगे। तो ये अभी मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, जब तक पानी बॉईल होता तब तक मैं बाहर वापस से बैठ जाऊँगी। तो पानी बॉईल हो गया था, मैंने चाय बनाने रख दी है, अभी जा रही है कोल्ड ड्रिंक। मम्मी दरवाजा खोल दो, अब देखिए तो वो नमस्ते बोल रहा हूँ, उसमें बाहर में बोल दूंगी रख। बात बताओ, पहले आपने कोल्ड ड्रिंक दी ठीक है, और उसके बाद आप चाय दे रहे हो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, मुझे समझ नहीं। कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा, उनका दोस्त साथ से 2 घंटे हमने कीर्तन करते करते उनका गला सूख गया था ना। उनकी केयर हो रही है। मम्मी आप चमक रही हो, ये बताओ कैसे चमक रही हो, ये पसीना पसीना हो रहा है ना उसकी वजह से चमक रही है, तो लगता है ऐसा लगता है ग्लो होगा या हाइलाइटर लगाया होगा। और पता है जो चाय बनाई है वो बिना चीनी के है, क्या हमारे पहाड़ में ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो है ट्रेंडिंग में है फीकी चाय, मतलब सब लोगों को फीकी चाय पीना बहुत पसंद है, उसके साथ वो कटका चाय, कटकी चाय, मतलब आप मिश्री या गुड़ या आज मम्मी पेड़े देगी, पेड़े के साथ चाय लेंगे ये लोग। और चाय का कलर देखा, मैंने बोला ना मेरी इतना अच्छी थी, हमेशा परफेक्ट होती है, भले वो चाय टूटती हो या पानी। मम्मी हमारी प्रसाद की तैयारी कर रही है, ये देखो। मम्मी मेरी वाली साड़ी है क्या, अच्छी लग रही है मेरी वाली। तो मैंने बेटा आपका वाला सूट पहना है और ये वाला सूट मैं ही लेके आई थी, है ना, ये वही है ना। मम्मी मैं ऐसे सूट लूंगी अपने लिए शादी के बाद, ऐसे ही पहनूंगी, देखो अच्छे लग रहे ना, ये तो सिंपल लग रहा है। आयुष को पसंद आ गया, मैंने उसको वीडियो कॉल पर दिखाया। चाय लेके आऊं और लाओ दो। कौन आया सोना, मम्मी आई, सब कुछ खत्म हो गया, तब आ रही हो आप। सबने चाय पी लिया, अब ये चाय रहती है लास्ट कप हमारी माता श्री का। मम्मी लोग हाय गाइस, भूत हूँ और जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा उसको खा जाऊंगी। बाय बाय। आज तो सबके सब सेम सेम बन के आ रखे हैं, लाइट लाइट बाय बाय। निकलो 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 से निकलो, मत तो अभी देखो वहाँ भी अभी आ जाएगा, क्या बोलते हैं वो, जब तक क्या कर रही हो तुम, आओ अंदर आओ, तुम अंदर आओ, मुझे ना इचिंग हो रहा है, जल्दी आओ। क्या था कुछ भी देख, पहले इसमें कैसे किया मैंने, ऐसे क्या तूने कुछ भी दिया तुझे, देखना जो ये वाला पहाड़ ना, देख इधर वाला जो ये पहाड़ देख, हल्का हल्का सा दिख रहा है, वो पूरा गायब हो गया है। हाँ देख, बारिश की वजह से देख, कितने दिख भी नहीं रहा, पीछे वाला ना इसके, ये जो ये वाला पहाड़ है इसके पीछे वाला पहाड़ जो यहाँ से हल्का हल्का सा दिख रहा है ना, गायब हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज की बारिश आ रही है और उधर साइड को भी बहुत सारी बारिश आ रही है। तो अब यहाँ भी हल्की हल्की सी बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है, पीछे
और इसको देखो गाइस, मुझे भी वो सब्सक्राइब कर देना, अगर कहीं पे मैं मिल जाऊंगी तो मुझे बता देना। नाम है सोनाक्षी असवाल, ठीक है। हम मैं भी हैरानी होगी कि सोनाक्षी असवाल का भी चैनल है। तेज की बारिश आती ना, मुझे नहाना है, तेज की बारिश आती। चल एक वीडियो बनाते हैं। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। 7:20 हो गया है शाम का, और हमारा ना पीछे से मतलब जो लेडीज थी उनमें से एक कोई गेट खोल के चले गया था, तो हमारा सिम्बा भाग गया है और जैकी भी भाग गया था, लेकिन जैकी को तो हम लेके आ गए, लेकिन सिम्बा भाग गया और वो मिला नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गया। अच्छा खासा मूड ना ख़राब हो गया है, अच्छा चल रही है कुत्ते भागने के उसमें। अभी तक हमारा सिम्बा घर नहीं आया है और मम्मी का मूड देखो, और मम्मी की गालियाँ सिर्फ मुझे पड़ रही है। राक्षस हैवान जैसा हो गया है। 50 किलो का होगा मम्मी? 500 किलो का है। कितने किलो का है? 100 किलो। हाँ, हमारे मुख्य अतिथि। ये इन्होंने भगाया हमारा कुत्ता। वो कह रही हूँ कि रोज रोज नहीं भगा रही, बेचारी मुझको ही बोलते रहे, गाली दे रही होगी। मम्मी आप क्या कर रहे हो? ताई जी ये बताओ किस लिए जा रही है? जो कूड़ा कबाड़ा है सब आप लेना। दही नहीं है क्या फिर भी आज पे? दही मैंने पापा से मंगाई थी यार। बाय बाय। अच्छा आंटी फिर से भाग गया, फिर से भाग गया। आ उसको बात खाता ही है। हाँ वही तो इतना अच्छा खुशी का माहौल था और एकदम से सबका मूड ख़राब हो गया क्योंकि सिम्बा भाग गया। रात के 9 बज गए हैं, अभी तक सिम्बा मिला नहीं, और हालत देख सकते हो, ना खाना बनाया है ना कुछ, और पापा घर आके बहुत गालियाँ देने वाले हैं अब क्योंकि मैंने खोला था, तो शायद मुझे गालियाँ पड़ सकती हैं। 6 लोग ढूंढने में लगे हैं उसे पर मिला ही नहीं, और हमारा सिम भी आ गया है और अब ये बहुत मार खाने वाला है। रात के 9:30 बज गए हैं और हमारा सिम भी मिल गया है। उसे ढूंढने के लिए काफ़ी लोग गए थे, मम्मी आंटी और हरीश, अमित, मामा, मैं और मोहन चाचा, बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन आखिर में उसको ढूंढ के लेके आए हमारे पिताश्री। पापा ने साबित कर दिया बाप बाप होता है। बाप होता है बेटा। मैंने पापा को फोन किया, मैंने कहा पापा पापा हमारे सिम भी भाग गया। पापा हमारा सैटी पाई कुकुर तुमने खो दिया है, उसको बाहर दिखा दे। पापा ऐसे कह रहे थे। तो हमने सिम्बा को नहला दिया है और अब उसकी सजा है, उसको हमने सजा दे रखी है कि उसको अंधेरे कमरे में बंद करें क्योंकि मार के तो और भी ज्यादा डरेगा, तो उसे मारेंगे मारेंगे नहीं। आज हमने उसको क्या पापा? वो उसने हमारा कहना नहीं माना और हमारे घर से भाग गया, तो हमने उसको अपने परिवार से अलग कर दिया। तो आज हमने 1 घंटे के लिए उसको सजा दी है क्योंकि फिर 1 घंटे से ज्यादा देर तक रहेगा तो उसको ना अंधेरे से डर लगता है, इसलिए उसको 1 घंटे तक हमने अंधेरे में रखा। वो वहाँ भौंक रहा है, मतलब भौंक नहीं रो रहा है, तो थोड़ा बहुत सजा देना बनता है, तब नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान रखेगा। अगर उसको बाघ वगैरह कुछ खा लेता तो हमारा ही तो नुकसान होता और फिर हमें कितना बुरा लगता सोचो। और वैसे भी आज का माहौल हमारा इतना पॉजिटिव था, हम लोगों ने इतना मतलब भजन कीर्तन किए थे, तो पहले मैंने उसको नहलाया था, तो मेरी हालत देख सकते हो कैसी हो गई है, तो मैं अभी नहा के आती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। भागने के बाद यहाँ पे आलू भुजिया खाई जा रही है, पूरी आलू भुजिया खा ली है जब लगे। हाँ तो रात के 10 बज गया है और आज हमारे खाने में लेट हो गया क्योंकि लेट खाना बना सिम्बा की वजह से, और बेचारा मेरा सिम्बा सो गया है, वो बहुत डर गया है मतलब। तो पहले मैं खाना खाती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अभी आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ, जितना भी बनाऊंगा जैसे भी बनाऊंगा क्योंकि लेट भी हो गया और मुझे एडिट भी करना है। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।